Next is asymptotic notation theta notation. It represents the average case of an algorithm's time complexity. ये average case को represent करता है. Big O upper bound या best worst case को represent करता है. Omega best case को represent करता है और theta जो है average case को represent करता है. Average time complexity find out करने में help करता है. It denotes the asymptotically tight bound that is lower and the upper bound. यानी ये दोनों बताता है, लोअर बाउंड भी और अपर बाउंड भी बताता है एल्गोरिथम की रनिंग टाइम का, इसीलिए इसे टाइट बाउंड बोला है. तो यानी इसमें अपर बाउंड यानी कि ओमेगा बिगो भी रहता है और ओमेगा भी रहता है. तो एवरेज केस फाइंड करने के लिए यूज होता है और ये टाइट बाउंड होता है, यानी लोअर एंड अपर बाउंड दोनों फाइंड होते हैं एल्गोरिथम के रनिंग टाइम के. अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये फंक्शन एफ एन इक्वल्स टू थीटा जी एन इफ देयर एग्जिस्ट सी वन एंड सी टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एन 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 जीरो सच दैट सी वन जी एन इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी टू ऑफ जी एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन जीरो वेयर एन जीरो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो. तो इसका अगर हम ग्राफ देख लें तो एक एन जीरो वैल्यू पे क्या होगा, जो एफ एन है यहाँ पर आप देखो, एफ एन जो है वो इन दोनों बाउंड्स के बीच में ही आएगा, सी वन जी एन और सी टू जी एन के बीच में ही आ रहा है. तो यहाँ पर वो कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आफ्टर एन जीरो एफ एन हमेशा ग्रेटर देन होगा सी वन जी एन के और लेस देन होगा सी टू जी एन के. हैंस फंक्शन जी एन इज एन एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड फॉर एफ एन. एफ एन के लिए जी एन क्या है, टाइट बाउंड है. तो अगर एफ एन इक्वल्स टू थ्री एन प्लस टू है तो हमें कंडीशन क्या ट्रू करनी है, सी वन जी एन इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एन लेस देन इक्वल्स टू सी टू जी एन. तो इस साइड सी वन की वैल्यू मुझे लेसर लेनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर वन ले ली और यहाँ पर मुझे ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो मैंने फोर ले ली. ठीक है, आप सी वन की वैल्यू टू भी ले सकते थे, थ्री से लेसर. तो यहाँ पर मैंने वन ले लिया C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू मैंने ले लिए, यहाँ पर 3n है तो मैंने 4 ले लिए. तो C1 इंटू जी एन, C1 लिया है हमने 1 और Gn हमारा है n, इज लेस देन इक्वल्स टू Fn हमारा है 3n प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू C2 हमने लिया है 4 इंटू Gn हमने लिया है n. जब n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4. तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये 5 लेस देन 4 नहीं होता है. तो हम n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 और ये हो जाएगा 8. तो ये कंडीशन हो गई ट्रू. तो कंडीशन ट्रू हो गई किस वैल्यू पे, n इक्वल्स टू 2 पे. तो एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ n हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सी वन इक्वल्स टू 1 एंड सी टू इक्वल्स टू 4.